पब्लिक टीवी आपकी आवाज। संयुक्त महिला संगठन की ओर से MIT सभागार में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण हुआ। इस अवसर पर सभी महिला सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, तो वहीं कार्यक्रम की बुरी प्रशंसा भी की गई। संयुक्त महिला संगठन का 6वां व ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस AIWC का 18वां स्थापना दिवस टिमिर सभागार में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ सरस्वती वंदना तथा स्वागत से हुआ तथा अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। डॉक्टर बबीता गुप्ता ने अपने विचार रखे, सूफियाना प्रस्तुति किया गया। संस्थापिका रीता सिंह द्वारा कार्यकारिणी पद की शपथ दिलाई गई। AIWC कार्यकारिणी में प्रेमलता संरक्षिका उपाध्यक्ष, रेखा गुप्ता संयुक्त महिला संगठन कार्यकारिणी, बीना अरोड़ा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष रेखा चतुर्वेदी, सचिव राजेंद्र कौर, सलाहकार प्रिया अग्रवाल, शिखा गुप्ता, कार्यक्रम की रिपोर्टिंग प्रेस की मीडिया प्रभारी रेखा रुहेला व सरिता अग्रवाल द्वारा की गई। AIWC को निस्वार्थ सेवा प्रदान करने के लिए डॉक्टर PK त्यागी, डॉक्टर नीतू रस्तोगी की मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। एकांकी भारतीय संस्कृति का महत्व योगा डांस रूपा घोष, नीतू नारंग ने भजन प्रस्तुत किया। एक लघु नाटिका एकता जैन द्वारा प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में भारती सिंह, प्रिया पांडे, ब्रजवाला, भावना, रूपा घोष, पल्लवी, मीनू, शीतल, आरती, एकता जैन, बिमलेश, ममतेश, सरिता लाल, आशा, श्वेता, गरिमा आदि लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। संयुक्त महिला संगठन 9 अक्टूबर को जिसकी हमने स्थापना की थी उसका अधिष्ठापन दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस मुरादाबाद में 18 वर्ष से कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य महिलाओं का उत्थान, बच्चों का विकास, सर्वांगीण विकास करना है, उनके अंदर एक जोश, एक सशक्तिकरण पैदा करना है। उस कार्य को ये 18 वर्षों से लगातार कर रही है। इसके लिए हमारे यहाँ 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो कि साल भर निरंतर चलते हैं वो हमारे चलाए जा रहे हैं, जिसमें एक है लिटरेसी का और स्किल ट्रेनिंग जो हम गरीब बच्चों को फ्री में मुहैया कराते हैं। दूसरा हमारा है डे केयर, जहाँ की हमारी 60 साल से बुजुर्ग महिलाएँ रहती हैं दिन भर आकर, और दिन में उनका निस्वार्थ और निःशुल्क भोजन आदि की भी व्यवस्था है, शाम को वो अपने घर चले जाते हैं। तीसरा प्रोजेक्ट साल भर हमारा चलता है वो हमारी है डे केयर डिस्पेंसरी, पार्ट टाइम डिस्पेंसरी, और इसके अंदर हमारे 2 डॉक्टर्स हैं जो कि हफ्ते में 2 दिन आते हैं और निःशुल्क हम उन्हें मेडिसिन देते हैं, निःशुल्क उनका चेकअप कराते हैं, और इस तरह से ये बहुत अच्छी तरह से हमारे 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं।